बिहार में बीपीएससी पास शिक्षक शिक्षिकाओं की लव स्टोरी इन दिनों खूब चर्चा में है। कहीं पकड़ा हुआ विवाह तो कहीं गर्लफ्रेंड का शिक्षक बने बॉयफ्रेंड से जबरदस्ती शादी। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन बिहार में अजब गजब चौंकाने वाला मामला सामने आता ही रहता है और एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया। बीपीएससी चयनित एक शिक्षिका जिस घर में किराए पर रुकी थी उसी महिला सिपाही के पति को लेकर फरार हो गई। मामला दरभंगा जिले का है। बताया जा रहा है कि जिले में एक महिला सिपाही ने अपने किराए के घर में एक लड़की को रहने के लिए जगह दी। हालांकि उसका ये कदम महिला सिपाही को महंगा पड़ गया। मौका देखते ही महिला सिपाही के पति को साथ लेकर शिक्षिका फरार हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब पति का कोई सुराग नहीं मिला तो महिला सिपाही ने थाने में FIR दर्ज करा दी। देखिए मामला यह है, जहाँ तक हमारी जानकारी में मामला यह है कि महिला सिपाही जो है वह उसकी प्रतिनियुक्ति हुई थी जहाँ बीपीएससी के काउंसलिंग वगैरह चल रहा था। वहाँ कोई बीपीएससी के अभ्यर्थी जो शिक्षिका के तौर पर आई थी, शिक्षिका बनने के लिए आई थी, उसे इसने सहानुभूतिपूर्वक अपने घर पे रखा। दो चार दिनों के लिए घर पे रखने की बात हुई, घर पे इसने रखा सहानुभूतिपूर्वक ड्यूटी के दरमियान बातचीत में जान पहचान होने पर। और वहां से इस शिक्षिका की और जो महिला सिपाही है उसके पति की नजदीकियां पड़ी और महिला सिपाही के का पति उस लड़की को लेकर कहीं फिलहाल फरार है। उसी को लेकर गुमशुदगी और 498 डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का केस करते हुए हमने रिपोर्ट दर्ज कराया है, थाने में मामला दर्ज कराया गया है। महिला सिपाही और बीपीएससी से चयनित शिक्षिका एक ही गांव की रहने वाली है। गांव की परिचित लड़की होने के नाते ही महिला पुलिस ने शिक्षिका को अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। मौका देखते ही महिला सिपाही के पति को साथ लेकर शिक्षिका फरार हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब पति का कोई सुराग नहीं मिला तो महिला सिपाही ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। पति मिल नहीं रहा, वह फोन पर बस इतना कह रहा है कि अब नई प्रेमिका के साथ रहेगा। आवेदन मिलते ही लहेरिया सराय थाने की पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। हर मामला संवेदनशील होता है, महिला का मामला चाहे महिला पुलिस हो या किसी नॉर्मल परिवार से हो, लेकिन इस मामले को भी संवेदनशीलता से देखा जा रहा है। लड़की जो महिला सिपाही है उनका आरोप है कि उनका पति गुमशुदा है। महिला सिपाही के पति ने जल्दी से जल्दी तलाक देने की बात कही है। महिला सिपाही का आरोप है कि शिक्षिका और उसका पिता उसे धमकी भी दे रहा है। ऐसी स्थिति में वो अपने 2 साल की बेटी को साथ लेकर दर दर भटक रही है। फिलहाल दरभंगा से सामने आए इस मामले में महिला सिपाही का यही कहना है कि उसे किसी पर विश्वास नहीं रहा। जिस लड़की को उन्होंने अपने गांव का समझकर घर में रहने के लिए जगह दी उसके पति को लेकर वो फरार हो गई। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।